और कितना इम्तिहान लोगे मेरा, जब मैंने तुम्हें कह दिया कि निम्रा इस घर की बहू बनेगी, तो मतलब ये काम करना है। मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें बाबा जी के हवाले कर दूंगी, फिर तुम जानो और बाबा जी जाने। खबरदार, खबरदार, मेरे पांव को हाथ लगाया तो माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अगर बाबा जी के कहर से बचना है तो जाओ, वापिस तभी आना जब कामयाबी की खुशखबरी साथ रहो। तो जाओ, कर भला, हो भला। सुन रही हूं मैं, कितनी बार बताऊं, हो जाएगा काम। हर वक्त फोन करके एक ही बात पूछते हो, बंद कर फोन। ऐसे खर्च करते हुए मौत आती है, काम करो इनके। अम्मी ये इस्त्री कर दूं, ये कपड़ा ये पहनकर जाऊंगी। दिमाग ठीक है तेरा? ऊपर सूटकेस में गुलाबी रंग का जोड़ा पड़ा है, जरी वाला, वो निकाल, वो पहनकर जाऊंगी। किसी शादी में जा रही हैं? शादी में नहीं जा रही, तो रिश्ते के लिए तो जा रही हूँ ना। हमारी अम्मा कहा करती थी कि जब भी बेटे के रिश्ते के लिए जाना, बन समर कर जाना, ताकि अगलों को लगे उनकी बेटी को भी ऐसे ही रखेगी। जैसे वो हमारे बारे में जानते ही नहीं है। क्या बोला आप? कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ ये वाला। अच्छा ठीक है, फिर ये वाला कर दूं। ये वाला इतना फीका रंग पहन कर जाऊंगी, ऊपर से समीना ने इतनी बार पहने हुए देखा है मुझे। सूटकेस उतार नीचे। ये सूटकेस इतना भारी है, मुझसे नहीं उतरेगा। हड हराम कहीं की, कभी कोई काम मत करना। कुर्सी ला बाहर से, मैं खुद उतार लेती हूँ। कभी ये पहन लो, कभी कहती ये पहन लो। कोई काम ये लड़की ढंग से नहीं कर सकती। बातें करा लो जितनी मर्जी, जल्दी लेकर आ। हाँ ना कहो इनको कोई। दरवाजे पे कौन आ गया? जा देख, बेल बज रही है। कौन? क्या मुसीबत है यार ये। आ रही हूँ। तनी कौन आ गया इस वक्त? मेरा पांव टूट गया, मेरा पांव टूट गया। अम्मी क्या हो गया? कैसे अम्मी? तुझे कहा था ना बैग उतार दे, तुझे कहा था सूट के सर उतार दे। मनहूस मारी मैंने, मेरी एक नसनी में गिर गई। अम्मी उठिए उठिए उठिए, अम्मी उठिए। अरे लो पानी पानी, अरे पानी पिला। हाय पानी मर गई। जमीला मुझे एक कप कॉफी दे दो लाउंज में। हेलो। हाँ शैला,
आपका गुस्सा कुछ कम हुआ हो तो मैं एक बात करूं। अगर तो ये बात वजाहत और निमरा की शादी के मुतालिक है तो फिर रहने ही दीजिए। अच्छा ऐसा करते हैं, एक डील करते हैं। वो क्या? जैसे तय किया था हमने, किसी दिन उन लोगों को खाने को बुला लेते हैं। उन्होंने तो नौबत ही नहीं आने दी इस बात की। भाई बेटी ने इतनी बदतमीजी की और माँ बाप को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे तो लगता है वो अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं है। आप दोनों बाप बेटे बिला वजह ही उनके बारे में सोच सोच के हलकान हो रहे। अम्मी वो इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं है, ये आप कैसे कह सकती हैं? अरे तुम खुद ही देख लो, मैं उनके घर होकर आई हूँ, उन्हें मालूम है कि उनकी बेटी ने कितनी बदतमीजी की है मुझसे। कम अज कम माजरत की बहाने कॉल कर लेते। आपकी सुई भी एक ही जगह अटक गई है। मैंने तो वैसे ही एक बात की है, आप खुद बताइए, उन्हें फोन नहीं करना चाहिए था? भाई वजाहत बता तो रहा है कि इससे निमरा ने माजरत कर ली है। अच्छा खैर छोड़िए, आप ये बताइए आप किस डील की बात कर रहे हैं? अब बताएं भी शहजाद। मैं सोच रहा था उनको आज खाने को बुला लेते हैं। क्या हो गया आपको शहजाद? बात को टोका मत करें, सुन तो लें पहले दो मेरी बात। अच्छा सुनाइए। भाई हो सकता है वो आपकी शिकायत दूर कर दें, आपसे माजरत कर लें। और अगर उन्होंने माजरत नहीं की तो क्या करेंगे? तो बस फिर जो आपका फैसला होगा वही मेरा फैसला भी होगा। क्यों वजह? मैं ठीक कह रहा हूँ? जी जी मंजूर है।